और म्यूजियम, और यहाँ पर हम लोग इसको अभी जा रहे हैं एंट्री करने, और यही है वो इजिप्शियन मम्मी। जो हमारा चल रहा है खाना अच्छे से, स्वागत है आपका जयपुर सीरीज़ के एक नए ब्लॉग में। और इस समय मैं हूँ अल्बर्ट हॉर म्यूज़ियम के सामने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है जयपुर का एक सेंट्रल म्यूज़ियम। अब हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने सुना है कि इंडिया में वन ऑफ द फाइव मम्मी है, जो कि इजिप्ट से मंगवाई गई थी जयपुर के राजा के द्वारा। और ये बहुत ही अच्छी एक प्लेस है, और इस जगह पर और ये अल्बर्ट हॉर म्यूजियम, और यहाँ पर हम लोग इसको अभी जा रहे हैं एंट्री करने, और देखते हैं अंदर क्या ऐसी यूनिक चीज़ें, एंटीक चीज़ें जो कि हमें यहाँ आना बजट बनाते हैं इस जर्नी का। लेट्स सी, हम लोगों ने जो कंपोजिट टिकट लिया था आमेर फोर्ट में, उसी में इसका भी टिकट इंक्लूडेड है, तो टिकट लेने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अच्छा, और हम लोग कर रहे हैं एंट्री, टिकट चेक हो गई हमारी। लेट्स सी कोई चेकिंग होती है कि नहीं, बैग वगैरह का क्या सिस्टम है, देखते हैं। और ये जयपुर के अलग अलग महाराजाओं की के बारे में लिखा हुआ है, और फिलहाल हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग बनी हुई है। ओ वाओ, ये क्या है, कालीन से कालीन है, बहुत ही पुरानी और बहुत ही खास लग रही है। फिलहाल पता नहीं इसका नाम लिखा तो नहीं है कहीं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कालीन बिछी हुई है। कालीन तीर का इसका थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। महाभारत काल का, मतलब महाभारत का एक प्रसंग दिखाया गया है इस चित्र में, जो कि द्रौपदी चीरण वाला है, और यहाँ से शुरुआत होती है इस म्यूज़ियम की। और बहुत ही ज़बरदस्त, भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, ज़बरदस्त। ये कुछ पुरानी बर्तन, एंटिक है, एंटिक बर्तनों की को दिखाया गया है यहाँ पर, इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। भाई ये बहुत बड़ा है यार, इस पर तो यार पूरा चाइनीज कल्चर का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। सत्सुमा वाज बहुत ही ज़बरदस्त वुड आर्ट, लकड़ी से बनी हुई ये प्रतिमा है। ये तो शायद ब्रॉन्ज या किसी और मेटल की बनी हुई है, और यहाँ पर पूरा ही वाव। और ये चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर आर्ट बनाई गई है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के बर्तन। सब
सबसे अच्छा ये लगा किसी ने कभी किसी ने फोटोग्राफी के लिए नहीं रोका, जो कि एक अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू मी। म्यूज़ियम में फोटोग्राफी पता नहीं बहुत सारे म्यूज़ियम क्यों अलाउड नहीं होती है, लेकिन जो भी क्या बात है यार, बहुत ही ज़बरदस्त हंगेरियन पॉटरी हंगेरियन आर्ट है, काफ़ी ही ज़बरदस्त है। हाँ, जो चल जाता है बहुत। और ये लाक्षाकारयुक्त बर्तन है जो काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं। जैसे पूरा पॉटरी सेक्शन चल रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से, जो भी अभी देखा हम लोगों ने, सिर्फ ये पॉटरी सेक्शन है जो उसमें अलग अलग देशों के अलग अलग आर्ट दिखाई गई है, उनके बर्तनों के आर्ट दिखाई गई है। चिलम है, ये चिलम के प्रकार है चिलम। और ये आर्टिफैक्ट्स हैं अलग अलग मूर्तियों, अलग अलग देवी देवताओं के, गौतम बुद्ध के, जो कि बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है, बहुत ज़बरदस्त। ये चतुर्भुज विष्णु जी, चतुर्भुज विष्णु यहाँ पे ये रहा। और ये 10th century AD का बना हुआ है, जो कि बहुत ही आ रहे हैं आर्मरी गैलरी में, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिलहाल तो, क्योंकि सबसे ऊपर देख कितना खतरनाक वो भाई कितना शार्प है यार ये। ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे तीर दिए दिखाए हुए हैं। और ये हैं तलवार और ढालें, जो कि अलग अलग शेप और साइज के हैं। ये वाली बड़ी नई सी लग रही है, ये वाली नहीं है ना, बहुत सही। और ये वाली देखो, वो वाली देखो कर्व्ड, ये हाँ बहुत सही लग रही है, कितनी शाइनी है यार ये वाली, इसमें कैमरा में नहीं आ रही सही से यार। फिर भी जो घुसेगी सब खत्म एक बार में, जो उसमें देखो आयतें लिखी हुई हैं, कुछ आयतें आते कुछ अरेबिक में सब लिखा हुआ, ईरानी ढाल चार नंबर की बन है सब कुछ, खैबर का नाम है इसका, इस वाले तलवार का नाम ही नागिन है। बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त। ये अब आए हम लोग बंदूक वाले सेक्शन में, बड़े ही स्पेशल टाइप की बंदूक है ये वाली, बीच वाली तो इसमें पता नहीं क्या लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। ओ आए ये क्या है यार, ये कैसी बंदूक है, जबरदस्त। ये वाली ना आखिरी वाली KGF2 में संदेश चलाता है, सबसे बड़ी वाली एकदम दूसरे कंधे में रख के एकदम। वाह क्या यार, 6 से 7 फुट की गन है, तो फिर कह रहे हैं ये हेलमेट सही तो क्या कह रहे थे, सुनी नहीं तुमने ये सब चीज़ें आज के दिन। चलो मम्मी देखना है, चल रही मम्मी देखने चल रहे आप सीधे। और यहाँ पर ये सभी मेटल आर्ट्स दिखाए गए हैं, अलग अलग मेटल्स के चीज़ें दिखाई गई, ज़बरदस्त बड़ी है। आज सामने खड़े हो ना तो कितना इसका अंदाजा अगर लगाओ तो कितनी ज़्यादा बड़ी है सीट है भाई, हटो भाई, कितनी ज़्यादा बढ़िया यार। ऊपर से डिटेल्स अलग अलग कहानियों के चित्रण है यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसे ही दो यहाँ टंगी हुई हैं, ऐसे ही दो यहाँ टंगी हुई हैं, और एक ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पेड़। आज की बहुत ही लंबी जर्नी रही है, और हम लोग सभी पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं है, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हुए बैठे हैं, देखो सकल इनके बहुत थक चुके हैं। लेकिन हाँ कभी एल्बर्ट म्यूजियम का एक फ्लोर हुआ है पूरा, उसको ऊपर भी जाना है। मम्मी अभी जो मैंने सुना था मैं इजिप्शियन मम्मी है, वो नहीं देखने को मिली है, उसकी थोड़ा एक्साइटमेंट और जल्दी ही देखना है। सेकंड फ्लोर पर हम लोग आए हैं, देखो ये सब लक्षा लाख के बनी हुई चीज़ है ये वाली, और बहुत ही अच्छा बना। ये वाले किसके हैं, इधर कश्मीर के हैं, कश्मीर का वर्क है, गजब। सामने ही रखी हुई है इजिप्शियन मम्मी,
जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम सभी एक्साइटेड हैं, वो सबसे पहले देखेंगे, उसके अलावा कुछ और देखेंगे। और यही है वो इजिप्शियन जो कि इजिप्ट द्वारा राजा इजिप्ट से मंगाई गई थी, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। उसका एक्सरे ये है, और मम्मी के बाद इधर वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे तो ढोलक, मृदंग, तबला और जाने क्या क्या, बहुत ही ज़बरदस्त पुराने टाइम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि बहुत ही देखने में भी एंटीक लग रहे हैं और सच में बहुत पुराने हैं। वाह, और ये तार किस टाइप के, कितना ज़्यादा बड़ा है, ओ माय गॉड, रबाब लिखा हुआ है इसका नाम, दिख नहीं रहा होगा आपको सही से, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। लेकिन ये सब हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और अलग अलग कलेक्शन बहुत ख़राब पड़ता है। यहाँ पे सारी ही चीज़ें बहुत सभी कुछ है, शायद पेंटिंग है या हैंड रिटन आइटम्स हैं, अलग अलग किस्से कहानियों की इतिहास के ऊपर चित्रित हैं ये चित्र, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। पृथ्वीराज रासो आप लोग सब जानते होंगे, ये सब आइवरी से बने हुए हैं सभी ये आइटम्स। वाओ, बहुत सही बात है यार ये। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त है यार, कैसे करिएगा ये? मैं ये भी दिखाने जाता था काफ़ी वक्त से। क्या बात है, सब कुछ ही हाथी के दांत से बना हुआ है क्या यार? और यहाँ ये सिल्वर वाला आइटम, अलग अलग टाइप की ज्वेलरी, ज्वेलरी रहता है, गजब भाई। सोना है या नहीं है, तो इसमें ध्यान दिया होगा, बहुत कम एक्सप्लेनेशन है चीज़ों के बारे में। म्यूजियम का यहाँ पर पूरा ही मॉडल रखा हुआ है, मन नहीं पैर भर गया। वाह, यही था कुछ अलवर्ट और म्यूजियम, उन्होंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, जितना देख पाए देखे, थोड़े थके हुए थे आज, बहुत दो फ्लोर घूमे हम लोगों ने, बहुत थक गए, फिलहाल अब एग्जिट कर रहे हैं और नेक्स्ट नई जगह। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बाद यहाँ पर आए हैं हम लोग, यहाँ जयपुर की फेमस मसाला चौक, और मसाला चौक की एंट्री ही 10 रुपीज़ पर पर्सन है, थोड़ी सी अजीब बात है पर ठीक है, जो भी है आए हुए हैं। मैं बताऊँ इसकी एंट्री 10 रुपए की, मेरे लोग गए होंगे अंदर, मेन्यू कार्ड देखा, बिल्कुल भाग गए। और ये है अपना फूड कोर्ट, लेट्स सी कुछ मिल जाए ठीक ठाक, और जिससे हमारा पेट भर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी जिससे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा केवल थोड़ा थोड़ा खाया हुआ है, कुछ मील नहीं ली है पूरी। सो यह जो हमने हमारा आगे का सफ़र उससे आसान हो जाए। अरे यमन, अरे पूछा भी नहीं हमसे, पूछा भी नहीं खाने को, आप तो क्या है मतलब, तुम लोग खाके बैठे हो, झूठ ना बोलो। ठीक है, और हमारा चल रहा है खाना अच्छे से मसाला चौक में, हाथ उसमें फोड़ दिया है ये, तो अभी पेट पूजा हो गई है, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड पार्क, और उसको थोड़ी देर घूमेंगे क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सही जगह है, अच्छी जगह है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा बट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप आ सकते हैं, काफ़ी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, हर तरीके का फूड मिल जाएगा आपको, फास्ट फूड से लेकर नॉर्मल मील तक, तो आ सकते हैं यहाँ पर, घूम सकते हैं, ठीक है। बाकी 10 रुपये एंट्री टिकट है, सो कीप दैट इन माइंड, ओके, ऑल गुड।
tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't care, keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. Good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. That I'll do what I wanna do. और ये है World Trade Park, जो कि बहुत जबरदस्त building है. Figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't come and keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. के अंदर और इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. बाहर से बिल्डिंग तो बहुत ज़बरदस्त है, अंदर देखते हैं किस प्रकार के यहाँ पर. दीपक भाई क्या कहते हो, जय मणिपुर इसका वो है. यहाँ देखो पूरा बना हुआ है इसका मैप. हाँ इधर सिनेपोलिस और अवतार पठान लगी हुई हैं सिनेपोलिस में. चलो टॉप फ्लोर, आई थिंक टॉप है, नहीं टॉप नहीं है. इसमें एस 23 अल्ट्रा आ गया होगा यहाँ तक. हाँ वो पता है मुझे, आईपैड प्रो, आईपैड आईपैड वगैरह बाहर निकल जाता है. Could be special if I get rid of food court. हमेशा से हमेशा की तरह टॉप फ्लोर, फूड फ्लोर, और काफी जबरदस्त लग रहा है सजावट यहां. Damn what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. और ऑलमोस्ट देख लिया पूरा, एक्सप्लोर कर लिया इतना करना था. कुछ काफी तो पहले ही आए थे, खाना पीना तो है नहीं, जल्दी से हम निकलेंगे यहाँ से. और आज का दिन तो पूरा दिन एक्सप्लोर करते रहे और बहुत ज़्यादा थके हम पांचों लोग. तो अब यहाँ से फिर बाहर ही निकलेंगे सीधे. और देखिए बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मतलब मेरा बेस्ट मॉल में एक्सपीरियंस करूँगा अभी तक. अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त लगा. और लेट्स सी वेयर आर वी हेडिंग नाउ. दीपक कैसा लगा जेड स्क्वायर? ऐसा जेड स्क्वायर से तो बहुत अच्छा ही था. नहीं वैसे आदर्श लुलू मॉल, लुलू मॉल से भी काफ़ी अच्छा था. अच्छा था सच में यार भाई, तो बहुत ज़बरदस्त. बाहर जितना अच्छी बिल्डिंग बाहर से है, उतनी ही अच्छी सजावट मुझे अंदर से लगी. तो फिलहाल वर्ल्ड ट्रेड पार्क से बाहर आ गए हैं और अब देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं. और वर्ल्ड ट्रेड पार्क के बाद हम लोग आए हैं अब पत्रिका गेट, जो जवाहर सर्कल के पास है. बहुत ही अच्छा इसका भी आर्किटेक्चर है, तो इसको भी थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद फिर जाएंगे अपने रूम पर. सो लेट्स सी. वाओ यार क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त. रात की लाइटिंग की वजह से तो और चार चांद लगते हैं. काफ़ी जद्दोजहद बाद
आखिरकार हम आ ही गए। Never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. So come and keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Aur battery bhi hone wali down. Aur ये ब्लॉग भी हम लोग खत्म करने वाले हैं। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed and then invest up. और ये हमारा हो रहा है शाम का डिनर। और ये कुछ स्पेशल राजस्थानी रोटी है, बेजड की रोटी करके कुछ। राजस्थानी खाना एक नंबर भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, जबरदस्त पूरा। सही बात है, नहीं मील खाने का। हम लोगों से एक छोटा सा पिज्जा भी ऑर्डर कर लिया जाए। जल्दी चूज करो भाई, खत्म करो इसको। अपना पूरा खाना हो गया, डिनर हो गया मस्त, और जा रहे हैं वापस अपने रूम पर। ये ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। टीवी चलाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। हम लोग सभी अपने रूम में आ गए हैं और ये दिन बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड रहा है। एग्जॉस्ट किया हमें बहुत ज्यादा। हम लोग ट्रेवल किए हैं आज लगभग 21 to 23 किलोमीटर्स ट्रैवल किए हैं बाई ऑन फुट। सो बाय गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चाहे तो शेयर कर सकते हैं। बाकी इन लोगों से पूछते हैं, ये लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं आज के दिन के बारे में। आज के दिन के बारे को, आज के दिन को ब्रीफ कर दो एक बार। दिन का भी अच्छा गया, बस हालत बहुत खराब हो गई। दीपक मेरे, हमें तो बहुत मजा आया। अनिकेत भाई हां, थके नहीं? और यमन बहुत मजा आया। काफी कई सालों बाद मैं बाहर निकला हूँ, इसका फोन किया इतने सालों बाद मैंने। बहुत बढ़िया, चलो ये गाइस बाय, गुड नाइट। डोंट रियली नीड अ मास्क विद ऑल आई बीन थ्रू, आई बीन मेकिंग चेंजेस फॉर द एजेस, 5-10 ईयर प्लान्स। You ain't get out of my way then. Got one life I won't regret it.